हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, रियलमी C1N2 में अभी तक क्लोन ऐप या फिर मल्टीपल अकाउंट का सपोर्ट आपको नहीं मिलता है। अगर गाइज आप सेटिंग में जाकर चेक करोगे तो गाइज यहां पर कहीं पर भी आपको मल्टीपल अकाउंट या फिर क्लोन ऐप का सपोर्ट नहीं मिलेगा। यहां तक कि अगर आप एडिशनल सेटिंग में जाकर भी चेक करोगे तो गाइज यहां पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब यही है कि अभी तक कंपनी ने जो है इन दोनों डिवाइसेस को क्लोन ऐप का सपोर्ट नहीं दिया है, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सी बात है। गाइज आज के टाइम में जो मल्टीपल अकाउंट का जो ऑप्शन है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। हर कोई जो है अपने फोन में मल्टीपल अकाउंट को यूज करना चाहता है, लेकिन कंपनी ने ये ऑप्शन नहीं दिया है तो बहुत ही दिक्कत हो जाती है। लेकिन गाइज अगर आप अपने फोन में, मतलब आप अपने रियलमी C1N2 में जो है अगर मल्टीपल अकाउंट को यूज करना चाहते हो तो गाइज इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरह से जो है आप किसी भी ऐप का क्लोन बना सकते हो और अपने फोन में जो है ना एक ही ऐप को दो बार इंस्टॉल करके उसे यूज कर सकते हो। तो क्लोन ऐप का मतलब यही होता है कि किसी भी ऐप का डुप्लीकेट ऐप क्रिएट करना और उसे अपने फोन में यूज करना। तो गाइज अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हे गाइज, आप मुझे स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, वरना गाइज आप किसी भी ऐप का क्लोन ऐप क्रिएट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले जो है ना आपको प्ले स्टोर पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वहां पे सर्च करना है क्लोन ऐप। उसके बाद जो है ना गाइज आपको पर्पल स्पेस मल्टीपल अकाउंट एंड टू फेस वाला जो ऐप मिलेगा उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद जो है पर्पल स्पेस 64-bit सपोर्ट वाला जो ऐप मिलेगा उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। ऑलराइट, अब हमने दोनों ही ऐप्स को डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद जो है गाइज हम इन्हें ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो है गाइज आपको सबसे पहले ये परमिशन मांगेगा, तो परमिशन को अलाउ कर दीजिए। पूरा ट्रस्टेड ऐप है, कोई भी आपके साथ फ्रॉड वगैरह नहीं होगा। एंड गाइज मैंने इसे पर्सनली यूज किया तो मुझे ये बहुत ही अच्छा ऐप लगा है और आपको कोई भी दिक्कत वगैरह नहीं होगी। उसके बाद जो है ना गाइज यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो है ना गाइज आपको एड ऐप का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद जो है गाइज यहाँ पे सभी एप्स आपके शो कर दिए जाएंगे। जो जो एप्स आपके फोन में इंस्टॉल है उन सभी एप्स का जो है गाइज आप क्लोन ऐप क्रिएट कर सकते हो। फ्रेंड सबसे पहले जो है हम व्हाट्सएप का क्लोन ऐप क्रिएट करेंगे, तो व्हाट्सएप को जो है मैंने टैप कर लिया है और उसके बाद जो है गाइस मैं ऐड टू पर्पल स्पेस पे टैप कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होगा और लोडिंग हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो है व्हाट्सएप का क्लोन ऐप क्रिएट कर लिया है। अब गाइस आपको जो है ना इसे टैप करना है और टैप करने के बाद जो है गाइस ऊपर क्रिएट टू शॉर्टकट पे ले जाना है एंड उसके बाद जो है गाइस इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद अगर गाइस आप यहाँ पे आओगे तो आपको दो व्हाट्सएप देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऑलरेडी जो व्हाट्सएप मैंने इंस्टॉल करके रखा था, मतलब जो ऐप को डाउनलोड करने के पहले यही वाला जो व्हाट्सएप मैं चला रहा था। एंड गाइस उसके बाद जो है गाइस मैंने पर्पल स्पेस में जो ऐप को मैंने क्लोन किया है, मतलब क्लोन वहां पे क्रिएट किया है, वो जो है गाइस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इन दोनों ही ऐप्स को जो है गाइस मैं अपने एक ही फोन में चला सकता हूँ। अगर गाइस मैं इस व्हाट्सएप को टैप करूंगा तो यहाँ पे जो है ना गाइस सबसे पहले ये मुझे आईडी पूछेगा, तो मुझे व्हाट्सएप की यहाँ पे आईडी बनानी पड़ेगी और उसके बाद जो है गाइस मैं अपने ही फोन में, मतलब सिंगल फोन में दो ऐप्स को चला पाऊंगा, वो भी बिना किसी दिक्कत के और इस ऐप के मदद से। तो गाइस बहुत ही सिंपल मेथड मैंने बताया है। एंड गाइस यहाँ पे आपको सारे ही ऐप्स मिल जाएंगे, सारे ही ऐप्स का जो है गाइस आप क्लोन ऐप क्रिएट कर सकते हो। एंड गाइस इसी मेथड को आपको अपने फोन में अप्लाई करना है और उसके बाद जो है ना गाइस आप क्लोन ऐप का जो ऑप्शन है वो अनेबल कर पाओगे अपने फोन में और उसे यूज कर पाओगे। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर गाइस वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना। गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।